दोस्तों, जावा लैंग्वेज में पैलिंड्रोम बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। पैलिंड्रोम सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि है क्या। यदि किसी नंबर को सीधे या उल्टे पढ़ा जाए तो वो एक जैसा ही दिखे, जैसे कि 1 to 1 नंबर। यदि इसको सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से पढ़ें तो ये नंबर एक जैसा ही होगा। इसी प्रकार जब जावा में प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें भी हम इस नंबर को चेक करते हैं कि ये क्या पैलिंड्रोम है या नहीं। यहाँ पर ये प्रोग्राम दिया गया है जिसमें मेन फंक्शन में 2 इंटीजर आर्गुमेंट लिए गए हैं, m1 और m2। ये 2 नंबर्स की रेंज है कि m1 में पहला नंबर, m2 में दूसरा नंबर। यदि इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो पैलिंड्रोम है या नहीं। यदि पैलिंड्रोम होंगे तो उनको प्रिंट कर दिया जाएगा। इससे नीचे सबसे पहले चेक किया जा रहा है कि m1 मतलब पहला नंबर, m2 मतलब दूसरे नंबर से छोटा है तो आगे फिर चेकिंग होगी। ये दोनों नंबर 3000 की संख्या से कम होने चाहिए। यदि कम होंगे तभी ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। लूप लगाया गया है जिसमें व्हाइल लूप को तब तक प्रिंट किया गया है जब तक कि n2 की वैल्यू 0 से बड़ी रहे। n2 की वैल्यू अभी नंबर के समान है और नंबर कहाँ से आ रहा है, n से। क्यू में n2/10 किया गया है ताकि उसमें एक इंटीजर नंबर स्टोर हो जाए। इसी प्रकार DIG वेरिएबल में n2 का मॉडुलस निकाला गया है जिससे रिमाइंडर उसमें स्टोर होगा। r number = r number into 10 + DIG, जो रिमाइंडर होगा वो r नंबर में स्टोर हो जाएगा। और n2 अब q के बराबर होगा। ये लूप इसी प्रकार तब तक चलता रहेगा जब तक कि n2 की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। इस प्रकार हमारे पास r नम में उल्टा नंबर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही इस लूप से बाहर निकलते हैं तो उस r नंबर को n से चेक किया जाएगा कि आपका नंबर और r नंबर ये दोनों यदि इक्वल हैं तो प्रिंट कर दिए जाएं, क्योंकि दोनों नंबर उल्टे और सीधे एक जैसे होंगे। तो इस प्रकार ये प्रोग्राम आपको उन पैलिंड्रोम्स की संख्या बताएगा, उन नंबर्स को प्रिंट करेगा जो m1 और m2 की रेंज में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि मेन फंक्शन में इंटीजर आर्गुमेंट लिए गए हैं जिन्हें कुछ एडिटर्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप बफर रीडर या स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं, या ये प्रोग्राम ब्लू जे एडिटर में आसानी से कार्य करेगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपका क्वेश्चन है, तो उसका समाधान भी किया जाएगा। धन्यवाद।